गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए सिक्स क्लास, आपको पता है हम आज वीडियो नंबर 9 जो है वो लेके आए हैं। हम चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर रहे थे और ई एक्सरसाइज तक मैं आपको करा चुकी हूँ। हार्ड वर्ड्स हमने कर लिए हैं और मैंने आपसे कहा था कि आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे एफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर जो है हार्ड वर्ड्स बताए थे और कहा था उन्हें याद करने के लिए, क्योंकि वो हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से उन्हें लर्न कर लिया हो, जिससे आपको अब ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो देखिए आज हमारा हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। व्हाट आर द मेन रीजंस दैट वी नीड फूड। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मेन रीज़न बताओ कि हमें खाने की ज़रूरत होती है। क्यों होती है हमें खाने की ज़रूरत, इसका मेन रीज़न जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको बताना है हमें खाना या हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए हमें खाने की क्यों ज़रूरत है। वी नीड फूड फॉर एनर्जी, सबसे मेन चीज़ है। हमें खाना क्यों चाहिए, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। विच हेल्प अस इन ग्रोथ एंड लाइफ एक्टिविटीज़। एनर्जी चाहिए जो कि क्या करती है, हमारी मदद करती है हमारी वृद्धि में, हमारी ग्रोथ में और हमारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को करने में हमारी हेल्प करती है एनर्जी। और इसी एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नोट भी कीजिए और फिर इसे CW में लिख करके लर्न भी करना है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एडिबल एंड नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यानी कि एडिबल पार्ट क्या होते हैं और नॉन एडिबल पार्ट जो है वो क्या होते हैं। क्लियर? एडिबल एंड नॉन एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स। एडिबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य, और नॉन एडिबल का मतलब होता है ना खाने योग्य। तो एडिबल पार्ट देखिए यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन बी ईट आर कॉल्ड एडिबल प्लांट। मतलब पौधे का वह भाग जिसे हम खा सकते हैं वो एडिबल पार्ट कहलाते हैं। और नॉन एडिबल पार्ट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन नॉट बी ईट, वी कांट ईट दैट, है ना। तो जो हम खा सकते हैं वो एडिबल, जो हम नहीं खा सकते हैं दैट आर कॉल्ड नॉन एडिबल पार्ट्स। क्लियर है? जिन पौधे के जो भाग हम खा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिबल, और जो नहीं खा सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन एडिबल। थर्ड देखिए, नेम द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड। देखिए यहाँ पर नेम द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड, यानी कि खाने की अलग अलग कैटेगरीज़ का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है। खाने की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कैटेगरीज़ क्या हो सकती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एक तरह से हमने खाने को किन किन चीज़ों में बांट रखा है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन्स, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस, शुगर, मिल्क, मीट, एग, ठीक है। दे आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड, यानी कि सब्जियां, फल, धान, दालें, तेल, मसाले, चीनी, दूध, मीट और अंडे, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं हमारे खाने की। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट द एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे चार जो है ना खाने की चीज़ें दी हुई हैं, आपको बताना है ये जो खाने की आपको जो सामग्री दी हुई है ये पौधे के किस भाग से हमें मिलती है। तो देखिए यहाँ पर शुगर केन दिया है आपको पहला, तो शुगर केन जो है पौधे के किस भाग से मिलती है, स्टेम से मिलती है, यानी तने से मिलती है। ऑरेंज जो होता है वो पौधे में फ्रूट होता है, ठीक है। कैबेज क्या होती है, लीव्स यानी पत्तियाँ होती हैं। कैबेज पत्ता गोभी होती हैं, और पत्ता गोभी पत्ते होते हैं पेड़ के, पौधे के। वीट यानी अनाज जो हम खाते हैं वो उस पौधे के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। तो ये जो हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। यानी आपको ये चारों जो दिए हुए हैं
इनके आपको क्या करने हैं, दो दो एग्जांपल्स यहाँ पर देने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, हर्बीवोर्स। देखिए आप सबसे पहले हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे की पत्तियाँ या पेड़ पौधे से रिलेटेड चीज़ें ही खाते हैं, शाकाहार जिन्हें कहते हैं। तो वो कौन है, देखिए काउज होती हैं, काउज जो होती हैं शाकाहारी ही खाती हैं, वो सिर्फ पेड़ पौधे से रिलेटेड चीज़ें खाती हैं, बफेलोज होती हैं, ठीक है। तो आपको दो ही एग्जांपल्स देने हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं। तो आपको पता है लायन टाइगर्स जो होते हैं सिर्फ क्या खाते हैं, वो मांस खाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स कौन होते हैं बेटा, सर्वाहारी, जो जंतु जीव जंतुओं को खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। तो ह्यूमन यानी हम इंसान उन्हीं में आते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो पौधे से रिलेटेड चीज़ें भी खाते हैं और जो है मांस वगैरह भी खाते हैं। डॉग्स, आप कैट्स भी ले सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर, है ना, तो बहुत सारे हो सकते हैं। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, परजीवी, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मैंने आपको बताया फ्लीस, फ्लीस होते हैं पिस्सू, और लीचेस यानी जोंक, जोंक हमारा खून चूसती है, यानी वो अपने खाने के लिए हमारे खून के ऊपर डिपेंड होती है। तो इस तरीके से आपके जो है पैरासाइट्स में आपने दो यहाँ पर एग्जांपल्स लिख देंगे, क्लियर है। यहाँ पे आपका एफ एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस को CW में लिखिए और अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू।